हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूं प्रियंका ददानी और टीचर फॉर क्लास इलेवंथ बिजनेस स्टडीज हमने चैप्टर नंबर थ्री फिनिश कर लिया है एंड अब बारी है उसके एनसीआर के सॉल्यूशंस की एंड वी आर स्टार्टिंग विद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस सो निकाल लीजिए अपना क्वेश्चन एंड आंसर रजिस्टर उसमें हेडिंग डालिए चैप्टर नंबर थ्री और फिर हेडिंग डालिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस ओके सो यहाँ पर हम सभी तरह के एंटरप्राइजेस के क्वेश्चन को आंसर करेंगे बहुत अच्छी फ्लो चार्ट बनाएंगे एंड अच्छे से सीखेंगे कि एक आंसर को कैसे लिखना चाहिए और आप सभी हैं मैग्नेट ब्रम्स प्लेटफॉर्म पर यह इंडिया का इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी फ्री एजुकेशन एंड यहाँ पर हम आपको तैयारी करवाते हैं किंडर गार्डन से लेकर क्लास ट्वेल्थ तक की हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहाँ पर हम स्पेसिफिकली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं सो so, अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स या रिलेटिवस में कोई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं सो आप उनको बता सकते हैं कि मैगनेट ब्रेन हिंदी मीडियम चैनल भी है जो प्रोवाइड करता है फ्रॉम क्लास सिक्सथ टू क्लास ट्वेल्थ कंप्लीट फ्री एजुकेशन वी मेक यू प्रिपेयर फॉर सी बी एस ई बोर्ड एज वेल एज सम अदर स्टेट बोर्ड ऑल्सो इसके अलावा हम आपको प्रोवाइड करते हैं फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और अगर आपको ई e नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है नाउ स्टूडेंट्स ये था अपना पब्लिक प्रा प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस इसके क्वेश्चन नंबर वन को स्टार्ट करते हैं ये है क्वेश्चन नंबर वन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर सो आपको पब्लिक सेक्टर का कॉन्सेप्ट समझाना है एंड प्राइवेट सेक्टर का बहुत ही छोटा सा डेफिनेशन पार्ट आपसे पूछा है सो प्राइवेट सेक्टर कंसिस्ट ऑफ बिजनेस ओन्ड बाई इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स सो यहां पर एग्जाम्पल्स क्या क्या आ जाएंगे सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप ज्वाइंट एच यू एफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी ठीक है ये प्राइवेट सेक्टर में आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वही बिजनेस को ओन करते हैं एंड पब्लिक सेक्टर की बात करें ऑन द अदर हैंड

अब आप इसको लिख सकते हैं मैं आपको इसका एक और तरीका बताती हूँ लिखने का आप जैसे स्टार्ट करो तो आप लिखना कि जो हमारी एंटरप्राइजेस हैं ठीक है थीके? वो टू टाइप्स की हैं ठीक है एंटरप्राइजेज टू टाइप्स की हैं आप उसमें लिख सकते हो जो फर्स्ट टाइप है हमारा दैट इज पब्लिक सेक्टर और दूसरा टाइप है प्राइवेट सेक्टर अब प्राइवेट सेक्टर में आप पांच बाइफर्केशन बना देना फ्लो चार्ट फॉर्म में एंड पब्लिक सेक्टर में तीन बाइफर्केशन बना देना और एक और लिख लेना ग्लोबल एंटरप्राइज

को ये नहीं पता होता बट आपको तो पता है कि हम इतनी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं राइट right, स्टूडेंट्स तो आप अच्छे से नोट्स बनाओ अच्छे से फ्लो चार्ट बनाओ अच्छे से आंसर फ्रेम करो है ना एंड फिर उसके बाद मुझे अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछो कि मैम क्या मैंने ये आंसर सही फ्रेम किया है क्या यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया है मैं आपके आंसर्स पढ़ूंगी एंड येस yes, मैं आपको सेशन में उसकी गाइडेंस देती जाऊंगी ठीक है सो येस स्टूडेंट्स ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर टू क्वेश्चन नंबर टू सो जैसे मैंने आपको फ्लो चार्ट वर्बली सॉरी ओरली बना के बताया वो फ्लो चार्ट आपके सामने है इंडियन इकोनॉमी में दो सेक्टर होते हैं पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर पब्लिक प्रा, सेक्टर में आता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग स्ट्राटरी कॉरपोरेशन गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट सेक्टर में ये पांचों आते हैं फिर कंपनी में भी प्राइवेट और पब्लिक दो तरह की कंपनी होती है सो so, आप इस तरह की फ्लो चार्ट बना सकते हो अगर आपसे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच का डिफरेंस बिटवीन या डेफिनेशन पूछी जा रही हैं तो ओके सो फ्लो चार्ट से आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं राइट सो फ्लो चार्ट अगर आप नहीं बनाओगे सो so, एग्जामिनर का मुंह होगा कुछ ऐसा और फ्लो चार्ट आप बना दोगे तो एग्जामिनर बोलेगा वाह स्टूडेंट को तो सब कुछ पता है ठीक है सो आपको क्या चाहिए कि एग्जामिनर आपसे जो पेपर पे चेकर जो है वो आपसे खुश रहे या सैड रहे वो आपसे खुश रहे है हाँ ना सो so, आपको क्या बनानी है अच्छी अच्छी फ्लो चार्ट बनानी है कोई भी चीज़ विजुअल होती है तो ज़्यादा अच्छे से याद होती है ओके चलिए प्रोसीड करते हैं तो टू क्वेश्चन नंबर टू स्टेट वेरियस टाइप्स इन प्राइवेट सेक्टर सो ऑर्गे कौन सी होती हैं? तो पहले हम लेंगे। ठीक है सो ये हो गया अपना प्राइवेट सेक्टर इसकी अलग पांच ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। सबसे पहली सोल प्रोप्राइटरशिप दूसरी पार्टनरशिप तीसरी कंपनी चौथी कोटिव सोसाइटी

एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से उसका कैपिटल आता है सो इट रिफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन द बिजनेस इज ओन्ड एंड कैरीड बाय मेंबर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इट इज रन बाय कर्ता अदर मेंबर्स आर कॉल्ड एज को पार्टनर्स ये एडिशनल लाइंस भी लिख सकते हो नाउ पार्टनरशिप पार्टनरशिप क्या होता है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है का एक्ट का ईयर है 1912 ठीक so, है सो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन यानी स्वयं इच्छा से बनाई है मेंबर्स ने ऑफ पर्सन हु ज्वाइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स ओके कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाद आता है कंपनी तो कंपनीज कंपनीज एक्ट दो हज़ार तेरह में है ठीक है सो कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉम्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड हैज़ अ लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स नाउ एम की बात करें तो एम एन पर नहीं आनी चाहिए बट येस yes, अगर बोल दिया गया है तो मल्टी नेशनल ये ग्लोबल होता है इसका बिजनेस तो ये भी आप इंक्लूड कर सकते हो ये भी प्राइवेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही है इसलिए पॉइंट नंबर सिक्स में इंक्लूड करा गया है ठीक है सो ये चीज़ हो गई अपने सारे प्राइवेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन Thank you. स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी से मुझे कुछ याद आया आप सभी अभी स्टूडेंट्स हैं व्हाई नॉट स्टार्ट स्मॉल वाइन व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग आप अपने घर में छोटी छोटी सी गुलक बना लो ठीक है फर्स्ट इज फॉर गुलक फॉर कॉलेज स्टडीज सेकेंड इज गो गुल्लक फॉर एंट्रेंस प्रिपरेशन तो जब भी पॉकेट मनी मिले उस पॉकेट मनी का एट्टी अमाउंट उस गुल्क में डाल दो ठीक है अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है तो आप वहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हो बट प्लीज़ नॉलेज के साथ पढ़ाई वढ़ाई करके आठ अच्छे से पूरे मार्केट की कंडीशन को समझ के फिर इन्वेस्ट करना ताकि पैसा डूबे ना बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट एंड दिस मनी रियली मीन्स लॉट टू यू अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपने किसी एल्डर मेंबर को भी दे सकते हैं कि मेरे लिए पैसे जमा करते जाओ तो आपके पैसे जमा होते जाएंगे सो कॉपरेटिव सोसाइटी क्या होती है सब लोग मिलके उसमें बिजनेस रन करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेम्बर्स सिमिलरली आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसी कुछ चीज़ें जो है कर सकते साथ मिलके पढ़ना साथ मिलके नोट्स बनाना साथ मिलके मैग्नेट ड्रेन के वीडियोस देखना सो so, अपना एक ग्रुप बना लो ताकि पढ़ाई में मज़ा भी आए है ना भले ही वो कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं होगी बट कोऑपरेटिव ग्रुप तो होगा ना ओके एंड अगर आप ऐसा कुछ करते हो सो वी एट मैग्नेट ड्रेन वुड बी वेरी थैंकफुल कि येस आपने ऐसा कुछ किया एंड आप हमें जरूर बताना कि आप अच्छे से सारे बच्चे मिलकर साथ में पढ़ते हो सारे स्टूडेंट साथ में मिल पढ़ते हो तो so, हमें बहुत अच्छा लगेगा ओके लेट्स क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर थ्री वॉट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट कम अंडर पब्लिक सेक्टर तो तीन ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग स्टैटरी कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज तो इन्हीं को समझाना पड़ेगा फर्स्ट आता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ज द ओल्डेस्ट एंड द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज इट इज मैनेज बाई गवर्नमेंट ऑफिशियल वन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे मैं बात कर रही हूँ इंडियन रेलवेज की तो इंडियन रेलवेज की रेलवे मिनिस्ट्री अलग है है ना रेलवेज का डिपार्टमेंट अलग है ठीक है इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ कंसर्न मिनिस्टर ऑफ द डिपार्टमेंट तो रेलवे का जो मिनिस्टर है इंडियन रेलवे का सो वही इसकी पूरी गवर्निंग देखता है हु इज आंसरेबल टू गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट है ना पार्लियामेंट के हाउसेस में जब उनकी रिपोर्ट मांगी जाती है इंडियन रेलवे के आउटकम्स की तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है रेलवे मिनिस्टर इस्पॉन्सिबल होता है ओके नाउ स्टैटरी कॉरपोरेशन ये वो होते हैं जिनका एक सेपरेट एक्ट हो जैसे मैं बात कर रही करी आर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका अलग एक्ट है आर एक्ट नाइनटीन जैसे मैं बात हूँ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इसका एक्ट है नाइनटीन ठीक है तो स्टार्टरी कॉर्पोरेशन इज़ अ कॉर्पोरेट बॉडी विद सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस इसका एक सेपरेट एक्ट है सेटअप अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर नाउ हमने ये भी पढ़ा था अच्छे से अब आते हैं गवर्नमेंट कंपनी तो सेक्शन टू सब सेक्शन फिफ्टी वन में है एंड यह बोलता है कि गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन फिफ्टी वन परसेंट ऑफ द पेडअप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑफ द गवर्नमेंट ठीक है सो अगर कोई कंपनी है ठीक है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर क्या परचेज कर रही हैं क्या परचेज कर रहे हैं और लिखा है यहाँ पे है ना और और ठीक है तो क्या परचेज कर रहे हैं फिफ्टी वन परसेंट और मोर ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल तो ये जो कंपनी है ये क्या बन जाएगी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी तो गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन कुछ ऐसी ही है सो अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 गवर्नमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51 परसेंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल पार्टली बाय स्टेट और वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स ठीक है सो so, ये हो गई गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक एंटरप्राइज का ही ये भी एक डेफिनेशन है नाउ हमने अच्छे से देखा अब आते हैं लिस्ट द नेम ऑफ सम एंटरप्राइजेस अंडर पब्लिक सेक्टर एंड क्लासिफाई देम तो तीन ही एंटरप्राइज हैं पहली डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग दूसरी है स्ट्रेटरी कॉरपोरेशन और तीसरी है गवर्नमेंट कंपनी अब तीनों को क्लासिफाई करना है सो स्टूडेंट्स क्लासिफाई करना है आपको सम ऑफ द एंटरप्राइजेस आर आपको ना यहाँ पर एंटरप्राइज के नाम नहीं लिखने लाइक like, आपने लिख दिया तीनों डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फिर आपने लिख लिया स्टेटूटरी कॉरपोरेशन फिर आपने लिख दिया गवर्नमेंट कंपनी है ना मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ गवर्नमेंट कंपनी पर ऐसा नहीं पूछा उन्होंने बोला है नाम बताओ लिस्ट द नेम्स लिस्ट द नेम्स ऑफ सम एंटरप्राइजेस अंडर पब्लिक सेक्टर तो कौन कौन सी एंटरप्राइज आ गई पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सेपरेट एक्ट होता है ना आरबीआई एक्ट तो ये क्या हो गई स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन क्योंकि ये कौन से एक्ट में गवर्न है आरबीआई एक्ट 1934 में गवर्न है क्योंकि इसका सेपरेट लॉ है इसलिए इसको क्या बोलते हैं स्टार्टरी कॉरपोरेशन ठीक है नाउ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये भी क्या है स्टार्टरी कॉरपोरेशन है क्योंकि इसका भी क्या है सेपरेट एक्ट है एल एक्ट 1956 ओके okay? अब द हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड क्या है गवर्नमेंट कंपनी है ठीक है क्यों क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर रही है फिफ्टी वन परसेंट या उससे ज्यादा पेड़ अप शेयर कैपिटल ठीक है नाउ कोल इंडिया लिमिटेड ये भी क्या है स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कंपनी आपको पता ही होगा तो सेम चीज यहाँ पर अप्लाई हो रही है पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट अब पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट बोला है तो डिपार्टमेंट Department मतलब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ठीक है सो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आ गया क्योंकि ये पूरी गवर्नेंस इसकी सर सरकार के पास जरूर है बट उसका आंसरेबल मिनिस्टर है ठीक है टेलीग्राम का जो मिनिस्टर होगा कम्युनिकेशन का वो आंसरेबल होगा नाव फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तो ये एक स्ट्रेटरी कॉरपोरेशन है क्योंकि इसका एक सेपरेट एक्ट है स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन इसका भी एक सेपरेट एक्ट है दामोदर वैली कॉरपोरेशन सेपरेट एक्ट है हिंदुस्तान मशीन टूल्स गवर्नमेंट कंपनी है स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सेपरेट एक्ट है इसका नाव हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है तो आपको ये इंडिया के कुछ पाँच छः नाम आप याद कर लो इसमें से और आपको एग्जाम में आए तो सिक्स नेम्स बस इनफ है लिखने के लिए सो so, मैं आपको ईजी नाम बता देती हूँ जो आपको याद हो जाएंगे अच्छे से रेलवे लिख लो ईजी आरबीआई लिख लो एल लिख लो स्टील लिमिटेड लिख लो कोल लिख लो एंड पोस्ट एंड टेलीग्राफ लिख लो इतने भी याद कर लोगे ना बहुत सही मार्क्स मिल जाएंगे आपको क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ठीक है अगर ज्यादा याद कर पाओ स्टूडेंट्स तो वेल एंड गुड ओके नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर फाइव ओके सो वाई इज द गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रिफर्ड टू अदर टाइप्स इन द पब्लिक सेक्टर आप इसका आंसर दो एंड कुछ बच्चे जिन्होंने नहीं लिखा हो तो प्लीज राइट डाउन ओके गवर्नमेंट कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रिफर्ड टू अदर टाइप्स इन द पब्लिक सेक्टर क्यों प्रेफर किया जाता है गवर्नमेंट कंपनी को पब्लिक सेक्टर के कंपेरिजन में ओके सो पब्लिक सेक्टर में और भी अदर टाइप्स है जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं, जैसे आपका स्टार्टरी कॉरपोरेशन है बट स्टिल गवर्नमेंट कंपनी को ही क्यों प्रेफर किया जाता है ठीक है अब मैं आपको आंसर बताती हूँ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जैसे मान लीजिए रेलवेज है रेलवेज जो है ये एक डिपार्टमेंट है सरकार का ही डिपार्टमेंट है ना रेलवे में जो भी वर्किंग होगी उसके लिए आंसरेबल होगा रेलवे का मिनिस्टर और ये आंसरेबल कहा होगा पार्लियामेंट में और ये सरकारी दफ्तर है यानी पूरा जो कंट्रोल है किसके पास होगा गवर्नमेंट के पास होगा ना स्टार्टरी कॉर्पोरेशन की बात करूं जैसे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो इसकी जो गवर्नेंस है वो एक सेपरेट एक्ट से आ रही है आरबीआई एक्ट 1934 ठीक है सो आर बी आई एक्ट नाइनटीन थर्टी फोर में जितने भी रूल्स जितने भी रेगुलेशन लिखे हैं वो आर को फॉलो करने पड़ेंगे और अगर इन्होंने ये फॉलो नहीं किया तो जो सरकार है गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर करेगी एंड फिर रूल्स और ज़्यादा लगा देगी बट बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी की तो गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट आधा आधा या फिर जो भी रेशियो वो डिसाइड करें मिल क्या परचेस करते हैं इस कंपनी में फिफ्टी और मोर ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल अब आप देखिए यहां सरकार का इन्फ्लुएंस तो है सरकार यहाँ पे डिसीजन जरूर ले रही है पर पूरा इन्फ्लुएंस नहीं है केवल आधे से ज्यादा यानी आधे से ज्यादा तो तो हो रहा है इसलिए गवर्नमेंट कंपनी जो है बाकी पब्लिक सेक्टर के ऊपर आती है लोगों के नजरिए से क्योंकि लोग सोचते हैं कि अगर पूरी कंट्रोल सरकार के हाथ में होगी तो पब्लिक या प्राइवेट कंपनी जिसमें सरकार ने एक्वायर किया है शेयर उसका क्या वजूद इसलिए गवर्नमेंट कंपनी को एक प्रायोरिटी एक है उसमें ना एक फॉर्मेशन थोड़ा क्योंकि सरकार के ऑर्डर से फॉर्म हो जाता है गवर्नमेंट कंपनी की तो यहां पर जो कंट्रोल है जो फ्लेक्सिबिलिटी है जो कंपनी के फीचर्स है वो मिलते हैं और यहां पर पार्लियामेंट का रोल इसका रोल उसका रोल मिनिस्टर क्या कह रहा है यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब कुछ हैंडल करते हैं ओके okay? सो so, ये हो गया कि क्यों पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट कंपनी ही क्यों बेनिफिशियल है सबसे पहले तो इस एग्जांपल को अच्छे से नोट डाउन करो नाउ स्टूडेंट्स लेट्स प्रोसीड कि आंसर कैसे फ्रेम करना है सो गवर्नमेंट कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेफर्ड टू अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गनाइजेशन ड्यू टू इट्स एडवांटेजेस ओवर अदर फॉर्म्स डिस एडवांटेजेस आर इट इज रजिस्टर्ड और इन कारपरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट पहली चीज़ दूसरा इट एज सेपरेट लीगल एंटिटी मैनेजमेंट इज रेगुलेटेड बाई प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट यानी सरकार बहुत कम इंटरफेयर कर रही है इंप्लाइज आर रिक्रूटेड एंड अपॉइंटेड एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन कंटेंट इन एम ओ एंड ए ओ ए है ना जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं फिर गवर्नमेंट कंपनी ऑप्टेन्स इट्स फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग्स एंड अदर इट्स प्राइवेट होल्डिंग्स एज वेल तो मतलब पूरा जो हिस्सा है वो सरकार के पास नहीं है दूसरे लोग भी हैं जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है ओके इट कैन ऑल्सो फंड फ्रॉम द कैपिटल मार्केट इट कैन बी इजिली फॉर्मड एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट ओनली एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड इट इंजॉयज़ ऑटोनॉमी इन द मैनेजमेंट डिसीजन एंड फ्लेक्सीबिलिटी इन डे टू डे वर्किंग एंड इट कैन अपॉइंट प्रोफेशनल मैनेजर्स ऑन हाई सैलरीज जो सरकार में नहीं हो पाता ओके ना क्वेश्चन नंबर सिक्स स्टार्ट करने से पहले आप अच्छे से इसके नोट्स बनाइए सो so फर्स्ट इसके नोट्स बनाने आपको पॉइंट नंबर वन टू एंड थ्री के ओके okay? फिर मैं हट जाती हूँ स्लाइड से आप इसके अच्छे से नोट्स बनाइए एंड जो मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको उसको भी ध्यान में रखना उससे ये पता चलता है कि सरकार जब पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं है कंपनी के सारे फीचर्स मिल रहे हैं तो यस आपके पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है एज अ कंपनी तो ये सारे पॉइंट्स अच्छे से नोट डाउन करो सो स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे सो so, ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डज द गवर्नमेंट मेंटेन रीजनल बैलेंस इन द कंट्री यानी गवर्नमेंट रीजनल बैलेंस कैसे मेंटेन करती है सो so, इसका आंसर है ये द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग ऑल रीजनस ऑफ द कंट्री यानी गवर्नमेंट को सारे रीजन्स को डेवलप करना है अर्लियर मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट वॉज लिमिटेड टू फ्यू एरियाज लाइक पोर्ट टाउंस पहले ऐसा होता था, था कि सिर्फ टाउंस का डेवलपमेंट गवर्नमेंट देखती थी फिर पोर्ट टाउन्स जहाँ पर सी uh, पोर्ट्स होते थे जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन ईजिली हो पाता था फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल एंड फॉर एक्सीटिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज मैनी इंडस्ट्रीज वेयर सेट सेटअप बाय द पब्लिक सेक्टर इन दोज एरियाज सबसे पहले फोर मेजर स्टील प्लांट्स सो so, कौन से थे हैं? वो सेटअप हुए थे बैकवर्ड एरिया से जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा हो ओके okay? उसके बाद रीजनल बैलेंस कैसे मेंटेन हुआ गवर्नमेंट आल्सो मेक्स एफर्ट्स टू प्रिवेंट मशरूमिंग ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स इन ऑलरेडी एडवांस्ड रीजन्स ठीक है जो रीजन्स ऑलरेडी एडवांस्ड है ऐसा नहीं कि प्राइवेट सेक्टर की छोटी छोटी ब्रांचेस खुलती जा रही है तो गवर्नमेंट उसको प्रिवेंट करती है उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाती है ताकि ओवरऑल एक बैलेंस बन सके है ना गवर्नमेंट प्रोवाइड मैनी इंसेंटिव टू प्राइवेट सेक्टर लाइक टैक्स कंसेशन लोन चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट टू मोटिवेट देम टू सेटअप इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड रीजन तो इससे क्या होता है एक बैलेंस बनता जाता है सो so ये जो क्वेश्चन था ये आपके चैप्टर से बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है सो so, आपको इसको थोड़ा जनरलाइज्ड वे में लिखना है बट डेवलपमेंट के बारे में जो बात करी गई है वो आप थोड़ा सा की लर्न कर लेना ओके okay? सो so, ये मैंने आपके लिए आंसर फ्रेम किया हुआ है आप इसे देख लीजिए एक बार एंड इसी तरह का कोई भी आंसर आप लिख सकते हो अपने खुद के और पॉइंट्स भी आप एंश्राइन कर सकते हो कि गवर्नमेंट कैसे बैलेंस करती है चीजों को ओके okay? सो so, टैक्स कंसेशन दे के लोन दे के चीप रेट पर या फिर मशरूमिंग ग्रोथ को रोक के या फिर मशरूमिंग ग्रोथ क्या होती है मशरूम्स जब उगते हैं आप एक मशरूम उगाओगे उसके बाद और छोटे 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 मशरूम्स उगने लगते हैं ना साथ साथ में तो मशरूमिंग ग्रोथ मतलब क्या कि आप बहुत ज़्यादा ब्रांचेस ओपन कर रहे हो तो गवर्नमेंट उसको प्रिवेंट करती है ताकि सबको चांस मिले एक बैलेंस बना रहे ओके ना स्टील प्लांट सेटअप करना जिससे एम्प्लॉयमेंट मिले ठीक है और इसके साथ साथ पूरे बैकवर्ड एरियाज़ को डेवलप करना जैसे रूरल एरियाज ठीक है जो अभी भी डेवलप नहीं हुए हैं उनको डेवलपिंग एरियाज में कन्वर्ट करना तो ये सब गवर्नमेंट करके क्या करती है बैलेंस करती है ओके अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पर ये जो हमारा लास्ट टॉपिक था ना स्टूडेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये क्वेश्चन उसी पर है उसका मीनिंग आपको समझाना है सो प्राइवेट फंडिंग एंड गवर्नमेंट ओनरशिप गवर्नमेंट कंट्रोल ठीक है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डिस्क्राइब्स गवर्नमेंट सर्विस और प्राइवेट बिजनेस वेंचर विच इज फंडेड एंड ऑपरेटेड थ्रू अ पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट एंड वन और मोर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज दिस स्कीम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज पी थ्री पी 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 और पी थ्री हॉस्पिटल वाला एग्जाम्पल आप लिख देना एज इट इज़ जो मैंने आपको मेन क्लास में पढ़ाया था Okay students, let's move to question number eight. Now, क्वेश्चन नंबर एट नहीं है दिस वर ओनली देर वर ओनली क्वेश्चन सेवन क्वेश्चन इन योर एन सी आर टी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सो यस आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पे और अभी जस्ट हमने एनसीआर टी सोल्यूशंस का जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसे फाइंड अप किया है अब हम बढ़ेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे बट बिफोर दैट चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो आपके स्कूल में आपके साथ पढ़ते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप सभी हैं इंडिया के फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर तो मैग्नेट ब्रेन

बिल्कुल इन इन टाइम मतलब जब आप बोल रहे हैं तभी हम ठीक है नाउ शॉर्ट्स शॉर्ट्स के थ्रू हम आपको अपडेट्स देते हैं अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं जिससे आपको और नॉलेज मिलती है नाउ ये हमारी वेबसाइट है जहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्सेज जैसा आप देख सकते हैं अलॉन्ग विथ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स अब डी पी पी सॉल्व करके आपकी प्रिपरेशन इन्हांस हो सकती है ई नोट्स एंड ई बुक्स ऑल्सो भी प्रोवाइड इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सेस दो लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो वाया दिस प्लेटफॉर्म हम आपको तैयारी करवाते हैं सी बी एस ई बोर्ड के एंड ऑल दिस स्टेट बोर्ड्स कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स की हम आपको तैयारी कराते हैं डेली बोर्ड बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड एम पी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड हमारे पास वैदिक मैथ एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी है so इसमें इंटरेस्ट है तो आप ये भी एक्सेस कर सकते हो नाउ क्रैश कोर्स भी हम प्रोवाइड करते हैं जस्ट बिफोर एग्जाम ताकि आपका पूरा करिकुलम रिवाइज हो जाए अच्छे से एंड हमारा एक हिंदी मीडियम का चैनल भी है स्टूडेंट वहां पर हम पढ़ाते हैं क्लास सिक्स से लेके क्लास ट्वेल्थ तक के बच्चों को हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट सो यस ये था अपना कंप्लीट मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म की डिटेल्स अगर आप इसका बेनिफिट उठा रहे हैं वेल एंड गुड अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई ऐसे पर्सनस हैं जो अभी भी परेशान है कि कहाँ से पढ़ें इतने अच्छे से एक एक डिटेल्ड कंसेप्ट को तो यस मैग्नेट ब्रेन से आप पढ़ो आपको बेनिफिशियल होगा एंड एब्सोल्यूटली प्रोजेक्ट मार्क्स मिला के आप बिजनेस स्टडीज़ में हंड्रेड ऑन हंड्रेड तो ले ही आओगे सो स्टूडेंट्स यू इन द नेक्स्ट सेशन सुपर सून तब तक इसके अच्छे से नोट्स बनाओ